फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के वर्ब सेशन में, जहाँ पे हम अलग अलग प्रकार की सेंटेंसेस बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉमन वर्ब। आज जो हमने वर्ब लिया है वो है ड्राइव, गाड़ी चलाना। ठीक है, या फिर जरूरी नहीं है कि हर बार गाड़ी चलाना, कोई भी मोटर से रिलेटेड चीज, ठीक है, ऐसी चीज़ों को चलाना वो जो है ड्राइव होता है। या फिर कई बार जो है हम कहते हैं कि द गॉड ड्राइव्स द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया को जो है कौन चलाती है, संसार को जो है कौन चलाती है, भगवान। तो कई बार जो है इसी टाइप से ऐसे भी सेंटेंसेस बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज, और ड्राइव से रिलेटेड जो है वर्ब फॉर्म्स के बारे में जान लेते हैं। एक आपका है ड्राइव, ड्रॉ, ड्रिवन, ड्राइविंग। अच्छा, और एक होता है ड्राइव्स, DRIVES, एक ये फॉर्म और होता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। तो टोटल आपने कितने फॉर्म जाने, 1, 2, 3, 4, 5 पांच फॉर्म्स ड्राइव से रिलेटेड हैं। तो चलिए बनाते हैं सेंटेंसेस इनसे। बट बिफोर वी स्टार्ट, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, अगर आप लोग फर्राटेदार अंग्रेजी बोलना चाहते हो तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए हमारा अनलिमिटेड अकाउंट। करना कैसे है, आपको सिंपली नमस्ते इंग्लिश ऐप, आप देख पा रहे हो, नमस्ते इंग्लिश ऐप जो है डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। उसके बाद जो है आपको ज्वाइन करना है हमारा अनलिमिटेड अकाउंट, और अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करने के बाद आप पाओगे कि आप वहाँ पे बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीख रहे हो, और धीरे धीरे विच टाइम यू डेफिनेटली वुड बी गेटिंग फ्लुएंसी, क्योंकि प्रैक्टिस करके ही फ्लुएंसी आ सकती है, बिना प्रैक्टिस किए नहीं। तो चलिए वापस आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो है ड्राइव, DRIVE, ड्राइव मतलब गाड़ी चलाना, ड्राइव, ड्रो, ड्रिवन, ड्राइविंग और ड्राइव से कुछ फॉर्म्स होते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस में कहता हूँ अगर आपसे, फॉर एग्जाम्पल, मेरा भाई कार चलाता है, माय ब्रदर ड्राइव्स कार। ड्राइव्स का हमने यूज कर लिया, इजी था, माय ब्रदर ड्राइव्स कार। अच्छा, सेकंड सेंटेंस देखिए, मैं अगर सेकंड सेंटेंस कहता हूँ आपसे, बहुत ही इजी सा जो है बनेगा दोस्तों, मैं आपको ड्राइव से रिलेटेड जो है सेंटेंस बना के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं, नहीं तो कंजेस्टेड लगेगा, कंजेस्टेड मतलब काफ़ी क्लोज क्लोज, फिर पढ़ने में आपको जो है दिक्कत होगी। चलिए, तुम मोटर बोट कैसे चलाते हो, तो हाउ डू यू ड्राइव, गैप है इनमें, डू में और यू में, ये लीजिए, नहीं तो अलग से बना देता हूँ, डू। तो हाउ डू यू ड्राइव, क्या मोटर बोट, द मोटर बोट, हाउ डू यू ड्राइव द मोटर बोट, तुम मोटर बोट कैसे चलाते हो, तो हाउ डू यू ड्राइव द मोटर बोट। इस टाइप से जो है आपने ड्राइव का यूज कर लिया, ये ड्राइव भी कंप्लीट हो गया। तो दो सेंटेंसेस हम जो है कंप्लीट कर चुके हैं, नेक्स्ट की ओर जो है आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसको रब कर लेते हैं फटाफट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारे स्क्रीन पे जो है आप देख पा रहे होंगे, थर्ड, उसने स्कूटी कैसे चलाई, नहीं, उसने कैसे अगर चलाई आप बनाइएगा, कैसे क्वेश्चन पूछिएगा, तो फिर सेकंड फॉर्म का जो है, या चलिए हम कर लेते हैं कैसे चलाई थी कर देते हैं, चलो परफेक्ट बना देते हैं। तो हाउ हैड ही ड्रोवन द स्कूटी, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया हमने, उसने स्कूटी कैसे चलाई थी, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हाउ हैड ही ड्रोवन द स्कूटी, ड्रिवन आई है ये, तो हाउ हैड ही ड्रिवन द स्कूटी, हाउ हैड ही ड्रिवन द स्कूटी, नॉट ड्रोवन, ड्रोव तो ये है आपका सेकंड फॉर्म, ध्यान रखिए इस चीज़ का, ड्रोवन बोल दिया मैंने, ड्रिवन है ये, ठीक है, ड्रोव, सिंस हम ड्रोव से रिलेटेड सेंटेंस बनाने वाले थे। अच्छा, ड्रिवन हो चुका है, हाउ हैड ही ड्रिवन द स्कूटी,
या हाउ हैड ही ड्रिवन द कार. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है, मैंने बाइक, बाइक को बाइक ही लिख देते हैं, मैंने बाइक चलाई, ठीक है, या मैंने कार चलाई कर लीजिए. अच्छा बाय द वे क्या है कि कार वगैरह के लिए ही ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप ड्राइव यूज़ करो. स्कूटी के लिए नॉर्मली जो है राइड का यूज़ करते हैं, ठीक है, नॉर्मली. या आई वॉज ड्राइविंग द स्कूटी, थोड़ा सा जो है अनपॉपुलर सा है मैं सच बताऊँ आपको, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा सेंटेंस हटपटा भी लग रहा होगा. बाय द वे लगा सकते हैं, इट्स नॉट लाइक वी कैन नॉट यूज़ आई वॉज राइडिंग द बाइसाइकिल, आई वॉज राइडिंग द कार, मतलब आई वॉज राइडिंग द, नॉर्मली फिर कार के साथ यूज़ करोगे राइड तो फिर वहाँ अटपटा लगेगा बिकॉज कार को ड्राइव किया जाता है. अच्छा स्कूटी पे राइड किया जाता है, ठीक है, तो जनरली क्या है कि आपको यहाँ पे वैसे क्या है राइड वगैरह यूज़ करना चाहिए था, बट सिंस वी कैन यूज़, ऐसा नहीं है कि यूज़ नहीं कर सकते, तो आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. मैंने कार चलाई तो आई ड्रॉ द कार, क्योंकि आप पास्ट की बात बता रहे हो तो आपको यहाँ पे जो है ड्रॉ यूज़ करना था. अच्छा ऊपर वाला सेंटेंस मैंने एक बार फिर कहा, एक बार दोबारा देख लीजिए. हाउ हैड ही ड्रिवन द स्कूटी, कि उसने स्कूटी कैसे चलाई थी, हाउ हैड ही ड्रिवन द स्कूटी, एंड आई ड्रोव द कार, मैंने कार चलाई, आई ड्रोव द कार, मैंने कार चलाई. तो ये जो है अलग अलग सेंटेंसेस हो चुके हैं आपके पास चारों. नेक्स्ट सेंटेंस एक और रह गया दोस्तों, उसके बाद जो है हम सम अप करेंगे. चलिए लास्ट देख लेते हैं. वह जहाज चला रहा था, तो he was driving the boat. तो driving, अगर वो काम past में चल ही रहा था, progressive form में था, मतलब चल रहा था, तो आप जो है ing form use कर लोगे. तो he was driving the boat, he was driving the boat. इस टाइप से जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो ड्राइव का आईएनजी वाला फॉर्म, राइट, या ही इज ड्राइविंग द बोट. अब अभी भी अगर चला रहा है, अभी भी वो काम चल ही रहा है, एक्शन इज स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट फॉर्म आई एम सेइंग, देन यू कैन यूज ड्राइविंग आल्सो एट दैट टाइम. अदरवाइज पास्ट में भी अगर चल रहा था तब भी आईएनजी यूज हो सकता है, जैसे वो चला रहा था उस टाइम पे तो चला रहा था ना, इवन दो पास्ट काम हो चुका है, पास्ट हो चुका है, बीत चुका है, बट स्टिल उस टाइम पे वो काम चल रहा था. तो इस टाइप से दोस्तों आपने देखा कि पांच सेंटेंसेस जो है हमने बनाए हैं पांच अलग अलग फॉर्म्स के साथ ड्राइव के. तो इस वीडियो को एंड करते हैं. अच्छा ये ड्रोवन नहीं है, बार बार कह रहा हूँ मैं, दैट इज ड्रिवन, दैट इज ड्रो, राइट, एंड यहाँ पे आई था, यहाँ पे आई ही है, और ड्रिवन होगा ये, ना कि ड्रोवन, राइट. चलिए तो इस वीडियो को यहाँ पे जो है एंड करते हैं. मैं मिलूंगा दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही. वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को. कोई फीडबैक है तो वो आप नीचे दे सकते हैं. बाकी कमेंट सेक्शन में दो चार सेंटेंसेस आप भी बना के दिखाइए ड्राइव से रिलेटेड. मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बिल्कुल भी मत भूलिएगा एक जानकारी और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी, उसको ज्वाइन करना. क्या था वो? अनलिमिटेड अकाउंट. क्योंकि अनलिमिटेड अकाउंट में आप जो है बोल कर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हो, तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो है एक्सप्लोर कीजिएगा थोड़ा सा अनलिमिटेड अकाउंट के बारे में, और फिर जो है ज्वाइन कीजिएगा बिकॉज फ्लुएंसी आएगी प्रैक्टिस करने पर. चलिए तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में. धन्यवाद दोस्तों.